अनेक दिन तर कथा चंदका जंगल रे गोटे चढ़ई परिवार रहुथिले। परिवार कहिले चिकु चिकुर माँ और चिकुर बापा रहुथिले। सेमाने तांको पु चिकु को बहुत भल पाउथिले। दिनकर घटना बाबा काले मु तुम पाखरे सोइथिली हेले आजि मु मो माँ पाखरे सोइबी। अरे हाँ हाँ चिकु मो धन तू आज मो पाखरे सोइबू। माँ माँ मोर ना मीठा आंब खाइबा को बहुत इच्छा हेउछि। कौन काले तुमे मते मीठा आंब आनी देई परिबो? मीठा फलटी हौ हौ मु काले मो धन पाई बहुत गुड़िया मीठा फल आनिबी। एमिति सानु और रानु चढ़ई तांको पुओ चिकुर सबु इच्छा पूरण करुथिले। राति होइजिबारु समस्ते सोई पड़िले। ता परदिन सकाळ हेला। चिकुर मा गोटे सुंदर अंडाटीए दे थाए। मा मा आस आमे झरणा पाखकु जिबा। झरणा पाने खेलिबाकु मोर तुम सह बहुत इच्छा हेउछि। चिकु मोर धन तू आज ठारु एकाके खेलिबाकु जा। मु आउ तो सह कुआडे भी जाई पारिबिनि। काहेकि ना आगको तोर गोटे भौणी किंबा भाई आसिबार अछि। सेथिपाई मु तो सह आउ कुआडे भी जाई पारिबि नाही। माँ एबे अंडा अछि बोली तुम्हे मो सह खेलिबाकु जाउन। आगको मोर भौणी किंबा भाई हेले तुम्हे मते आउ पूर्व भली भल पाइब नाही। मोर धन तू एमिती कथा कहना। तू जा एकाकी खेलिकी आसिबू। तू खेलिकी आसिले मु तो पाई मीठा आंब रखिथिबी। आसिले खाइबू। एमिती किछि दिन बीतीगला। रानु चढ़ई रो अंडारू गोटे सुंदर छुआटीए बाहरिला। रानु तार झीओ को देखी बहुत खुशी होइगला। रानु एई नियो एई नरम नरम मीठा फल मु मो झीओ पाई आनिछि। नियो एई फल सबु मो झीओ को खाइबा को दियो। ना ना बापा एई फलटी को मु खाइबी। चिकु मोर धन तू बड़ पिला होइगलुनी। तू एबे चावलर दाना खाई परिबु। हेले तोर भौणी बहुत छोट तार दांत भी हेनी। से टाण चावलर दाना खाई परिबो नाही। सेथिपाई नरम नरम मीठा फल तोर भौणी खाइबो। मु एक कथा प्रथम रु जानिथिली। जेबे मोर भाई किंबा भौणी हेबो से मोर प्रिय खाद्य को सबुबेले मो ठारु छड़ई नेब। एमिति कही चिकु जंगल को उड़ीगला। काहेकि के जानी ए चिकु एमिति काहेकि भाबुची से आमे त कहु भल पाउनु। अरे रानु से एबे छोटो पिला से भाबुची आमे एबे आम झीह चिंकी को बहुत भल पाउचे आउ ताकु जमारु भी भल पाउने। अरे चिकु तोर आजि कौन होइकि तू एमिति कांदुचु काहेकि? कौन कहबी कहल मऊसा जेबेठार मोर भौणी हेलाणी सेबेठार मो बापा मा मते आउ मीठा फल खाइबा को दौ नाहंती। सबु खाली मो भौणी को खाइबा को दौ छंती। अरे पुओ एथि पई कांदुचु तो माँ बापा तो पई मध्ये मीठा मीठा फल आनिबे आउ तू कांदेनी। एबे जा तू घर को जा। ना ना मऊसा मोर किछि भी दरकार नाही। मु मो निज पई निजे खाद्य खोजी परिबी। एमिति किछि दिन बीतीगला। चिकुता भौणी चिंकी को जमारु भी भल पाउ नथिला एवं ता सह कथाबार्ता मध्ये हेउ नथिला। मा मा आज मु तुम पाखरे सोइबी। चिकु तोर भौणी एबे बहुत छोट तू जा तो बापांक पाखरे सोइबु। मो धन रे आसिलु मो पाखरे सोइबु? ना ना मो बापांक पाखरे सोइबिनी। तुम्हें तुम झीओ को बहुत भल पाउच आउ ताकु तुम पाखरे सुआउच सबुठारु भल हेबो। मु जाउची एकुटिया सोइबी। परदिन सकाळ हेला। चिकु तो बापा आउ मु पहाड़ आड़ को जाउचु। आमे आसिबा पर्यंत तू तो भौणीर जत्न नेबु आउ हाँ घर बाहरी कुआडे भी जीवुनु। एमिति कही रानु रानु चढ़ई पहाड़ आड़क उड़ी चलिले। पूर्वरु सबु मीठा फल मु एकुटिया खाउथिली आउ एबे सबु मीठा फल से चिंकी खाउची। पूर्वरु मु मो माँ पाखरे सोउथिली।
ଆଉ ଏବେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏସବୁ ଏ ଚିଙ୍କି ପାଇଁ ହେଉଛି ନା, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଚିଙ୍କି, ଚାଲ ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ପିଠିରେ ବସାଇ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲାଇବି। ତାପରେ ଚିକୁ ତାର ଭଉଣୀକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାର ଭଉଣୀକୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଓ ଘରକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଚିଙ୍କି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାର ଭାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳାଇଛି। ଚିଙ୍କି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଦୀର ପାଣି ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥାଏ। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଚିଲ ବସି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚିଙ୍କି ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଝିଅ, ତୁ ସେଇଠି ରହିଯା, ଆଗକୁ ଯାଆନି, ନହେଲେ ତୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆରେ ଝିଅ, ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୋ ଭାଇ ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା? ମଉସା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଚିଲ ଚିଙ୍କିକୁ ନିଜ ପିଠିରେ ବସାଇ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଚିକୁ ଚିକୁ, ତୁ ସତ କଥା କହ, ଏବେ ତ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଅଛି? ମା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ଚିଲ ଚିଙ୍କିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚିକୁ, ତୁ ତୋର ଭଉଣୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ନଦୀ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଯଦି ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ତୋର ଭଉଣୀର ଆଜି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅ, ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? ଚିଲ ଭାଇ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିକୁ, ମୋ ପୁଅ, ଯେବେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଆର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ ତୋତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ପାଉନୁ। ଚିକୁ, ତୁ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ତୋତେ ବହୁତ ଗିଲ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତୁ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣୁ। ଆଉ ତୋର ଭଉଣୀ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି। ତୋର ଭଉଣୀ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଥିବ? ଆଉ ସେ ଏବେ ଦିନେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବହୁତ ମଜା କରିବା। ମା, ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି କାମ କରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବି। ସେଇଦିନଠାରୁ ଚିଙ୍କୁ ତାର ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲା ଓ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଆଣିଦେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟର କଥା, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁନୁ ନାମରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ତାର ବାପା ମା ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ସେ ପରର ଘରମାନଙ୍କରେ କାମ କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ମୁନୁ ଚଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ହେଲେ ତାକୁ କୌଣସି କାମ ମିଳେନି, କାରଣ ସେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ। ଥରେ ମୁନୁ କାମ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଗଛରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁନୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରେ, ତମେ କିଏ? ଆଉ ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତମେ ଏଠି ଏମିତି ବସି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋତେ କୁହ, ହୁଏତ ମୁଁ ତମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। କ'ଣ ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଟିକେ ଖରା ମିଳିବ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ। ଏମିତି କହି ମୁନୁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖୋଲା ବଗିଚାକୁ ଯାଏ, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଖରା ହିଁ ଖରା ଥାଏ। ଖରା ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଚଢ଼େଇଟି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଆରେ, ତମେ ତ ଗୋଟେ ପରୀ, ହେଲେ ତମେ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲ? ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ପରୀ, ପୃଥିବୀକୁ ମୋ ମା ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ଏଠି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ଓଦା ହେଇଗଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ପର ଆଉ ଉଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲାନି, ଆଉ ମୋ ଯାଦୁଇ ବାଡ଼ି ବି କାମ କଲାନି। ତେଣୁ ମୋ ମା କହିଲେ କି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଯିବି, ଆଉ ପୁରା ଠିକ୍ ହେବା ପରେ ମୋ ଲୋକକୁ ଫେରିଯିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଆଜୀବନ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି।
तुम जड़े बहुत भल चढ़े तेणु मु तुमर साहय करने चाहे। एमती करी परीटी निजर जादुई बाड़ी बुलाए आउ मोनु पाखक गोटे फटो आसे से गोटे जादुई छतुर घर चित्र थिला। तापरे परीटी कहे मोनु ए फटो भितर तू जो छतुर घर देखुचु सेटा गोटे जादुई छतुर घर आज पर तू जब कम खोजा जीवु आउ ते जदि बाटर ए घर देखा जाए ताहले निसंकोच से घर भितर को जीवु सेठी तते तोर सब आवश्यक जिनस मिल जीव किंतु हाँ गोटे कथा मन रखिबू केवल तो आवश्यक मुताबक जिनस ही आनबू अधिक लोभ कले तते सेठी किछि मिलिबनी आउ ए जादुई छतुर घर उभा होई जीव। हाँ जदि तू केबे अन्य को सहाय्य करबाकू चाहिबू ताहले तते ए घर केबे भी कोठी भी थिले देखा देबो आउ गोटे कथा केबे भी कहाँ को ए घर भीतर को नहीं जीवनी नहले तते किछि भी देखा जीवनी। एमती कही परीटी सेठारो निज घर स्वर्गलोक को पलाए आउ मनु से फटोटी को नहीं निज घर को जाए आउ ता भौणी को सबु कथा कहे। तापरे से फटोटी को निज घर कांथरे टंगे दिए आउ परदिन सकाळु काम खोजिबा को बाहरी जाए। काम खोजी खोजी से शेषे थकी जाए हेले ताको कोठी भी काम मिलेनी तेणु से निराश हो जाए। ठीक एतिकी बेले ताको सामनारे से जादुई छतुर घर देखा जाए। से घर को देखी मोनू बहुत खुशी हो जाए आउ से घर भीतर को जाए। आरे ए घरे तो मोर सबु कामर जिनस भरपूर होइके अछि हेले मते एते सारा जिनस सबु दरकार नै मते केवल दीदी पाई किछि ड्रेस घर आवश्यक जिनस आउ किछि खाइबा दरकार। एमती कही मोनू घर सबु दिनसरु किछि किछि जिनस आने आउ घर को फेरी जाए। घर को जाए से सबु से ता भौणी को दिए एते जिनस देखि ता भौणी खुशी हुए आउ या पछर कारण पचारे मोनू सबु कथा ता भौणी को कहे। एमती किछि दिन बीती जाए दिनकर घटना मोनूर पड़सा घर रानु चढ़ेर जेजेमा देह खराब्रे पड़ती काले से छतुर घर ठिकना मु जा कि मौसी पाई सेठार जाए कि मेडिसिन आनी दे था ठीक से बेले से जादुई छतुर घर टी सेठे प्रकट हो जाए। ताकु देखी मोनू बहुत खुशी हो जाए आउ तुरंत से घर भितर को जाए कि मेडिसिन नहीं आसे आउ तांगा पड़सा घर जेजेमा को दिए तापर से ठीक हो जाती। ए सब देखी मोनु बहुत खुशी हुए। एमती गुड़ाए दिन बीती जाए मोनु जंगल सब जीवजंतु को सही जादुई छतुर घर साहय करे आउ जंगल सब चढ़े तारे उद्धार आउ अन्य को साहय कर मनोवृत्ति देखी ताकु बहुत भल पाइबा को लागिले आउ मोनु बहुत खुशी रहिला। दिनकर कथा मोनुर सांग रानु भाबे आरे ए मोनू तो किछि भी काम करूनी ताहेले ए ते खुशी रे केमती रहुची आउ जंगल रो समस्तंगो सहाय्य केमती करूची यार पत्ता लगेबाक पड़िबो। एंती कही रानु दिने मोनू रो पीछा करे आउ देखे से गोटे छतुर घर भितर को जाई किछि दरकारी जिंस नै आसिला। अच्छा ताहले मोनु ए घर सब जिनस ने समस्त को सहाय्य करछि हेले घरे एंते कोन अछि मते जाय देखिबक पड़िबो। ता पर दिन सकाळु रानु मोनुर पीछा करी करी से घर भितरे पसि जाय आउ देखे सेठ सब प्रकार जिनस मौजूद अछि। ता परे से लोभ संभाली न पारी गोटे सुनार गरा उठाइबा को जाय। एंते करिबा मात्रे सेठार सब जिनस अदृश्य हो जाए। यह देखि मनु जानी जाए कि ता पछाड़े ए घरे आउ जने कि अछि से पछ को बुली देखे ता सांग रानु से आश्चर्य हो जाए आउ कहे रानु तू एठी केंती आ कोन करछु मु तो पछे पछे एठी के आसीथिली तू एंते काहे के गलु आसीबा पूर्वर थरे मते पछाड़लनी से दुहे एमती कथा हो
अचानक छतुर घर टी भी उभा हो जाए। मोनू कहे, तु कौन कलु, तो जो को ये घर भी उभा हो गला। कौन मो जो को हला एंती? एहा गोटे जादुई घर थिला, एठी के मो छोड़ा आउ केही आसीले से उभा हो जिवो, आउ तू मते न पचारी एठी के चाली आसिलु, सेति पई एंती हला। एबे मु कौन करबी, केमिति अन्य को सहाय्य करबी? रानू मते क्षमा कर दे, मते सब जणा नथिला, मु खाली घर देखिबा पई तो पछे पछे आसीतिली। तापरे मनु भगवान को प्रार्थना करे, ठीक सेतिके बेले से परीटी सेठी पहुँचे, आउ परी को देखि मनु सब कथा कहे। तापरे परी कहे, एहा गोटे जादुई घर थिला, जहा कि तो सांग एठा को आसीबा द्वारा उभा होइगला, किंतु तो चिंता कर ना, एथिरे तोर किछि असुविधा हेबनी, कारण तते एबे जंगल रो सबु पक्षी माने तोर उदारता आउ पर उपकार मनोभाव पाई बहुत भल पांती, एबे तते केही बे काम मागिले देई देबे, आउ तो खुशी रे रहिबू। एहा कहि परटी सेठारु चली जाए, आउ मोनु आउ ता सांग सेही दिन ठारु कठिन परिश्रम करंती, आउ अन्य को सहाय्य करी खुशी रे रुवंती। टिक्की चढ़ई रो पिल्ला दिन बापा मा मरी जाइथिले, से ता खुड़ी पाखरे रहुथिला, टिक्की रो खुड़ी केबे ताको भल पाउ नथिला, सबु बेले ताको गाली गुलज करे ओ ता उपर अत्याचार करे। टिक्की चढ़ई खुड़ी रो दुईटी छुआ थिले, ता खुड़ी ता दुई पिल्ला को बहुत भल पाउथिला। दुई छुआ जेते बेले भी टिक्की चढ़ई सहित खेलिबा को बाहरंती, से सबु बेले ताको मना करी रखि दिए। गोटे दिन सकाळु, अले ए टिकी, तते कोन उठिबा को बेळ होइनी, बेळ आसी दी घडी हेलाणी, ए पर्यंत सोई जाऊ, घरर सबु तक काम पडिछि, जल्दी उठ जाय काम सबु सार। उठि गली खुड़ी, जल्दी जाय काम सार। हेले खुड़ी, आज त मोर परीक्षा अछि, पाठ पढ़ी कोन करिबु, शेषर त चुली मुंड को जिबु, जा काम करिबु। टिकी चढ़ई मन दुखरे घरर सबु काम करबा को लागिला, किंतु तार मन कौन सी काम लगुन थाए, सकाल जलखिया खाइबा समय हो जाए थाए। तार खुड़ी दुई जन पिला खाइबा को आसे, टिकी खाइबा समय हो गला, जल्दी खाइबा नहीं आस, मो पिला मैंने खाइले पुणे स्कूल जिबे। टिकी चढ़ई रुटी आ तरकारी नहीं कि आसे, किंतु रुटी किछि पोड़ी जाए थाए, खुड़ी ए सब देखी बहुत रागि जाए। मामा ए रुटी तो पोड़ी जाए छी, मुए पोड़ा रुटी खाए बिनी। टिकी रो खुड़ी कहे, ए कौन मो पुआ पई पोड़ा रुटी आनी छु, मो पुआ ए सब खाए बिनी, दिनो जक घरे बसी बसी खाली गेफा मारु छु, किंतु ठीक से कौन से काम तो द्वारा होनी। खुड़ी मोर आज काई कौन से काम रे मन लागुनी। काम करिबु नु तो कौन करिबु, तो जानी छु ना तो बापा मा मरिबा पूर्व मोठारु 5 लाख धार नैथिले, जहा को तते मो घरे काम करिके सुजीबा को पड़िबो। किंतु खुड़ी से पैसा तो, अरे चुप कर, तो हाथ रु अधिक तो पाटी चली रानी, रह एबे को कथा बुझुची। एंती कही खुड़ी टिके चढ़े को गोटे अंधार स्टोर रूम रे बंद कर दिए। से सकाळ किछि खाइ न थाए, भोक को उपास रे से घरे से पड़ी कांदीबा को लागिला, कांदी कांदी कहे, बापा बऊ तमे मते काई के छाड़ी चली गल, खुड़ी दिन राति मते बहुत गाली दौंती, मो सहित तो बहुत अन्याय करउंती, मते बहुत काम करउंती, आउ पेट पूरा खाइबा को भी दौनांती। टिक्की जो घरे बंद थाए से घरे ढेर सारा परिवार रखा जाइथिला, से कांदी कांदी भोक बिकल रे गोटे टमाटो जुड़ी रु टमाटो गुड़ी को खाइबा को लागे। ए टमाटो तो मोर किछि भोक मेंटी गला। सेतिकी बेले ता खुड़ी सेठा को आसे हेरी, खुड़ी को देखि टिके किछि टमाटो ता पछपटे लुचै दिए। एबे बाहर को आसे, दीपर रो खाइबा बनैबार अछि। हां खुड़ी मु एबे जाय बनै दउ छी। टिके स्टोर रूम रे चली आसे, आ हाथ रे किछि टमाटो नै आसी थाए। जति ए टमाटो खुड़ी देखि देबे ताहाले मते पोणी रागिबे। एमति कहि टिके से टमाटो को नै बगीचा रे पोति दिए, आउ काम करबा को चले जाए। काम सारी रात रे टिके बगीचा रे बसे थाए,
ଆଉ କହେ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏଠି ମୁଁ ଘର ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ମୋତେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଖୁଡ଼ି ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେତିକି ବେଳେ ସେ ବଗିଚାର ଗୋଟେ ଜାଦୁଏ ଟମାଟର ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁଠି ଟିକି ଟମାଟୋଟିକୁ ପୋତିଥିଲା, ୟାକୁ ଦେଖି ଟିକି ଡରିଯାଏ। ଏ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଟମାଟର ଘର, ଲାଗୁଛି ସେଇ ଟମାଟୋ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଣି ଏଠି ପୋତିଥିଲି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟମାଟର ଘର କଥା ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଖେଳିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଟମାଟର ଘର ଦେଖିବାକୁ ସେଠିକି ଆସନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ଟିକିର ଖୁଡ଼ି ରାଗରେ ଜଳିଯାଏ ଆଉ କହେ, ଆରେ ଏ କୋଉ ଯାଦୁ ଫାଦୁ କରିଥିବ, ନହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଟମାଟର ଘର ଦେଖିଲାଣି ନା ଜାଣିଲାଣି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଯାଦୁଇ ଟମାଟର ଘର। ଯଦି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମୋ ବଗିଚାରେ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ତ ମତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଟମାଟୋ ପୋତିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଟମାଟର ଘର ହେଇଛି। ଯଦି ତମେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେବ ତାହେଲେ ତମେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଖୁଡ଼ି ଟିକେ ଡରିଯାଏ ଆଉ ଭାବେ, କିଏ ଜାଣେ ଏ ଯାହା କହୁଥିବ କାଳେ ସତ ହେଇଥିବ, ମୋର ନ ଯିବା ହିଁ ଭଲ। ୟା ପରେ ଟିକେ ଖୁସି ଖୁସି ସେଠାରେ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟିକେଟ୍ କରିଦିଏ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ତାକୁ ନେଇ ସେ ତା ଖୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦିଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ଖୁଡ଼ିର ପୁଅ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ, ସେତିକି ବେଳେ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚ, ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚ, ମୋ ପୁଅ ଘର ଭିତରେ ଅଛି, କିଏ ରକ୍ଷା କର। ଏତିକି ବେଳେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଏ ଆଉ ଖୁଡ଼ିର ପୁଅକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭାସିଗଲି, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲି, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ବି ତ ଘର ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଟିକି କୁହେ, ଖୁଡ଼ି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ମୋ ଯାଦୁଇ ଘରେ ରହିପାର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଟିକିର ଖୁଡ଼ି ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରେ ଆଉ ଅନୁତାପ କରେ ଆଉ କହେ, ଟିକି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ତଥାପି ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ, ସତରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ତୁ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋର ଋଣୀ କରିଦେଲୁ। ୟାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଦୁଇ ଟମାଟୋ ଘରେ ରହିଲେ ଆଉ ତା ଖୁଡ଼ି ଟିକିକୁ ବି ନିଜ ଝିଅ ପରି ସ୍ନେହ ଆଦର କଲା ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଟିକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଲା।